हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट सबस्पेसेस। सबस्पेस क्या होते हैं? सबस्पेस होने के लिए पहले तो हमें एक फील्ड और एक वेक्टर स्पेस, इन दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। के बी अ फील्ड एंड वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द की। के फील्ड है और उस पे वी वेक्टर स्पेस है, एंड डब्ल्यू बी द सबसेट ऑफ वी, देन डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ सबस्पेस इफ। तो के फील्ड है एंड V वेक्टर स्पेस है, हमें W को सबस्पेस प्रूव करना है V का, वेक्टर स्पेस का। तो W को सबस्पेस होने के लिए पहले सबसेट होना चाहिए किसका? V का। एंड और कंडीशंस क्या क्या हैं? द जीरो वेक्टर इज इन W, जीरो वेक्टर है जो वो W से बिलोंग करना चाहिए, पहली कंडीशन। एंड नेक्स्ट, इफ U एंड V आर एलिमेंट इन W, अगर मैं दो एलिमेंट U और V W से उठाऊं तो उनका सम, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन, इज अगेन इन W। एंड नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, इफ U इज एलिमेंट इन W एंड C इज द स्केलर फ्रॉम K, देन स्केलर फ्रॉम K एंड द स्केलर प्रोडक्ट इज इन एलिमेंट ऑफ U। ओके, हमें एक एलिमेंट W का लेना है और एक स्केलर लेना है, कहां से? फील्ड से। एंड देन इनकी प्रोडक्ट सी यू शुड बी इन W, ये W में होनी चाहिए। तो सबस्पेस प्रूव करने के लिए पहले तो वो वेक्टर स्पेस का सबसेट होना चाहिए, मेन थिंग। नेक्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी, जीरो वेक्टर W में प्रेजेंट होना चाहिए, और U V दो वेक्टर हैं, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी अगेन W में होना चाहिए। एंड U अगर W में है और एक स्केलर एलिमेंट लेंगे फील्ड से, और उनकी मल्टीप्लिकेशन अगेन W में होनी चाहिए। ओके गाइज, वी टेक सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। फॉर एग्जाम्पल, लेट फील्ड K बी अ सेट R ऑफ रियल नंबर, एंड लेट द वेक्टर स्पेस V बी द रियल कोऑर्डिनेट स्पेस R3। टेक W बी द सेट ऑफ द ऑल वेक्टर इन V, हुज लास्ट कंपोनेंट इज जीरो, एंड W इज द सबस्पेस ऑफ V। ओके, इन्होंने क्या कहा है कि फील्ड है R एंड वेक्टर स्पेस है जिसके कोऑर्डिनेट R क्यूब से लिए गए हैं। तो ऑब्वियसली R क्यूब में ट्रिपलेट होते हैं X, Y एंड Z, बट इन्होंने कहा है कि W जो लेना है वो थर्ड कोऑर्डिनेट शुड बी जीरो। सो मैंने यहाँ पे क्या लिया, यू वन यू टू मीन्स एक्स वाई एंड जेड को जीरो। सो अब मुझे क्या क्या प्रूव करना है कि जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। सो जीरो जीरो, अगर मैं एक्स वाई जेड ओरिजिन ले लूँ, एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू डब्ल्यू है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्स वाई जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू है। सो जीरो जीरो एंड जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। एंड नेक्स्ट, If I take U, U1, U2, 0, and next element V, V1, V2, third coordinate 0, so U plus V, again in W, क्योंकि W में कौन सा element है जिसका first coordinate भी है, second भी है, but third one क्या है? 0 है. Okay, then third property, U belongs to W, एक element W से उठाना है, और दूसरा scalar field से, field यहाँ पे क्या है? Real number. तो उनकी product again in W, वो होगी क्यों? क्योंकि U में third coordinate 0 है, एंड अगेन अगर मैं सी से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो भी जीरो ही होगा। सो इस टाइप के एलिमेंट किस में है? डब्ल्यू में है, तो ये भी डब्ल्यू के अंदर है, दैट्स वाई डब्ल्यू सबस्पेस हो गया। ओके गाइज, दिस इज द सेम एग्जाम्पल विच आई डिड। नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू प्रूव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम विच आर यूज इन सबस्पेस टू प्रूविंग एनीथिंग इज सबस्पेस। ओके, सो this start the statement, the subset W of vector space is a subspace of vector if and only if for all A B belongs to F field and alpha beta belongs to W, then their linear combination also present in W. तो ये theorem क्या कह रही है कि W है जो वो subset है vector space का, and वो subspace तब होगा, W अभी subset है, उसको सबस्पेस होने के लिए क्या क्या चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी? सबस्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ दो एलिमेंट, फॉर ऑल ए बी एलिमेंट बिलोंग्स टू फील्ड,
एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन करें तो अगेन वो सबस्पेस मतलब डब्ल्यू में आ जाए. अगर वो सबस्पेस है तो ये चीज होगी, और अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन है तो वो सबस्पेस होगा. वी हैव टू प्रूव दिस थिंग. ओके, सो गाइज, इस स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से भी पढ़ते अपनी बुक्स में. वो क्या? द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू, फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू of a vector space V to be subspace for all AB belongs to F and for all alpha beta belongs to W and their linear combination again belongs to W. So again same thing, was necessary and sufficient. This part I added. So necessary and sufficient condition kya hai? W ko subset hona chahiye and uske baad ye linear combination W mein belong karna chahiye. Agar to wo subset hai और सबस्पेस होने के लिए उसको ये प्रूफ करना है. अगर ये चीज है तो वो W क्या है? वेक्टर स्पेस होगा. सो अभी हमें प्रूफ क्या क्या करना है? अगर तो ये प्रॉपर्टी दी गई है तो हमें W को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, और अगर वेक्टर स्पेस है तो W को सबस्पेस प्रूफ करना है. ओके गाइज, सो आई टेक फर्स्ट पार्ट, द कंडीशन इज नेसेसरी. तो कंडीशन नेसेसरी, ओके, लेट W बी द वेक्टर सबस्पेस ऑफ VF. W वेक्टर सबस्पेस दिया है हमें, वो लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूव करना है. अगर तो वो वेक्टर सबस्पेस है तो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू W एंड फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू फील्ड, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन W में होगा सिंस वो वेक्टर सबस्पेस है. दैट्स वाई ये चीज तो होल्ड करेगी. एंड फॉर बीटा दिस इज अगेन होल्ड. इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो W सबस्पेस है, सबस्पेस होने के कारण तो इनका एडिशन भी W में होगा, बिकॉज इट्स अ सबस्पेस, दैट्स वाई इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. जैसा कि मैंने सबस्पेस की जब मैंने डेफिनेशन कराई थी तो उसके उनका लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी W में होगा. सो दैट्स वाई इट इज इन W. सो कंडीशन इज नेसेसरी, नेसेसरी पार्ट प्रूफ हो गया. नाउ वी हैव टू प्रूफ द सफिशियंट पार्ट. सो सफिशियंट पार्ट क्या है? ये दिया गया है, ये इक्वेशन दी गई है, हमें इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है. ओके, so for all AB belongs to field and alpha beta belongs to subspace and their linear combination belongs to W. so ये condition given है. अभी हमें proof क्या करना है कि W क्या है? एक vector subspace है, vector subspace है. okay, अब guys मैं A को अगर 0 रखूँ और B को -1 रखूँ तो A 0 and -1 beta, so minus beta belongs to W. since beta belongs to W and minus beta belongs to W, that mean inverse exists करेगा under the addition. okay, अभी inverse exists कर गया. now अगर A को मैं 0 लूँ और B को भी 0 लूँ तो when multiply, so 0 vector plus 0 vector belongs to W, that means 0 vector belongs to W. इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी. जैसा कि हमें पता है रियल में आइडेंटिटी जीरो होती है अंडर द एडिशन. सो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करगी, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया. एंड लास्ट, इफ ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, इट इज क्लोज अंडर एडिशन. तो जीरो भी आ गया, क्लोज अंडर एडिशन भी आ गया, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया. सिंस वी वेक्टर स्पेस था सो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड कर ही रही थी उस पर. सो W है उसका सबसेट है, तो V वेक्टर स्पेस होने के कारण एंड W उसका सबसेट होने के कारण तो जो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहा था, आई मीन इनडायरेक्टली सेट थ्योरी का एक रिजल्ट है. अगर वो वेक्टर स्पेस वो सारी प्रॉपर्टी शो करता है तो सेम प्रॉपर्टी शो की जाती हैं बाय सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस. सो W सबसेट है, सबसेट के कारण ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली होल्ड होगी. सो एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ वेक्टर स्पेस, आई मेंशन हियर रीजन. ओके, सिंस W इज ए क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन वो क्लोज है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो W एबिलियन ग्रुप हो गया अंडर द एडिशन. ओके, अब अगर मैं A को 0 ले लूं तो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, W क्लोज अंडर द स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी हो गया एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सारे होल्ड करेंगे. क्यों? क्योंकि V वेक्टर स्पेस है. सो W पे भी वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑटोमेटिकली होल्ड करेंगे बिकॉज W इज द सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस. हेंस W क्या हो गया? वेक्टर सबस्पेस हो गया. सो
अभी हमने क्या क्या प्रूव किया, डब्ल्यू को सबसेट, डब्ल्यू को सबसेट दिया था, उसको एबिलियन प्रूव कर दिया अंडर द एडिशन, एंड क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन दिखा दिया, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करके. तो ये सारी ही प्रॉपर्टीज इंप्लाई करती हैं कि डब्ल्यू क्या होगा, एक वेक्टर सबस्पेस हो गया. वही हमें थ्योरम में प्रूव करना था, दैट इज द सफिशियंट कंडीशन. ओके गाइज, थैंक यू. इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड कमेंट.